हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ पापड़ पराठा। सो इस रेसिपी में क्या है कि आप पापड़ को एक नए तरीके से यूज़ कर सकते हैं और इस पराठों को आप धनिया की चटनी के साथ में सर्व कर सकते हैं। धनिया की चटनी आपको कैसे बनाना है उसकी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि पापड़ पराठा बनाने के लिए हमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। और हम पापड़ पराठा बना रहे हैं सो डेफिनेटली आपके पास जो है वो पापड़ तो होना ही चाहिए। यहाँ पर मैंने दो फ्लेवर के पापड़ लिए हैं, ये मसाला पापड़ है और ये नॉर्मल पापड़ है। आपके पास जो भी पापड़ अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। मैंने घी लिया है, अजवाइन, मिर्च पाउडर, नमक, कस्तूरी मेथी और ऑयल। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डो रेडी कर लेंगे। तो चलिए डो रेडी करते हैं, देख लीजिए कि मैं कैसे रेडी कर रही हूँ। सबसे पहले डो रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे व्हीट फ्लोर ले लिया है। अब व्हीट फ्लोर में मैं थोड़ा सा अजवाइन मिक्स करूँगी, स्वादानुसार नमक और थोड़ा सा ऑयल। ज़्यादा ऑयल आपको यूज़ नहीं करना है, सिर्फ माइनर ऑयल ही मैं ऐड कर रही हूँ। इसे आप अच्छे से मिक्स कर लें, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑयल डालने से आपका जो डो है वो बहुत ही ज़्यादा मुलायम बनेगा, जिससे पराठे भी आपके एकदम मुलायम बनेंगे, इसलिए आपको ऑयल इसमें कंपलसरी डालना ही है। और ऑयल डालने के बाद आप पहले ही इसमें पानी ऐड नहीं करना है, ऑयल डालने के बाद आपको इसे अच्छे से मिला लेना है। अब ये मिल चुका है, अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी धीरे धीरे, और जैसे हम आटा गूंथते हैं वैसे मैं गूंथूँगी इसे। सो आप देख सकते हैं कि पापड़ पराठा बनाने के लिए मैंने जो डो है वो रेडी कर लिया है। अब क्या करना है, इसे गूंथने के बाद आपको इस पर हल्का सा ऑयल ऐड करना है, हल्का सा ही, और फिर वापस से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। सो इसमें ऑयल ऐड करने के बाद आपको इसको 15 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के छोड़ देना है। इससे क्या होगा, ये आपकी जो पराठे हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी होंगे वो खाने में। तब तक हम क्या कर लेंगे, पापड़ को डीप फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन ले लिया है, पैन में मैं ऑयल को ऐड कर दूंगी। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, चलिए अब हम इस पापड़ को डीप फ्राई कर लेते हैं। सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पापड़ को डीप फ्राई कर लिया है। डीप फ्राई करने के बाद आपको इसका चूरा बना देना है एकदम अच्छे से। सो ये पापड़ का जो चूरा है वो रेडी है। आप चाहे तो इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। सो डो रेडी किए हुए हमें 15 मिनट हो चुके हैं, उसके बाद इसे फिर से एक बार अच्छे से ऐसे मिला लें। मिलाने के बाद अब हम इसे मीडियम साइज का इसमें से ऐसे बॉल रेडी कर लेंगे, ऐसे ही हम गोल बना लेते हैं। सो ऐसे बॉल रेडी करने के बाद अब हम इसे बेल लेंगे। मैं इसे सबसे पहले मीडियम साइज में बेल लूंगी। हमने इसे मीडियम साइज में बेल लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें घी लगा दूंगी, घी को आप ऐसे स्प्रेड कर ले। घी लगाने के बाद इसमें मैं मिर्च पाउडर स्प्रेड कर दूंगी, उसके बाद मैं थोड़ा सा अजवाइन, और उसके बाद कस्तूरी मेथी स्पेसेस स्प्रेड कर दूंगी मैं। इसको अच्छे से चिपका दे चारों साइड। इसके बाद आपने जो पापड़ का चूरा बनाया था ये देख सकते हैं आप, इसे मैं इस पे ऐसे
स्प्रेड कर दूंगी। अब आपको इसे क्या करना है, कट कर लेना है। कट करने के बाद इसके एक एक पीसेस आपको धीरे धीरे उठाना है और एक के ऊपर एक डालना है ऐसे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये नहीं चिपक रहा है तो आप इस पर हल्का सा घी मिला ले, इससे ये अच्छे से चिपक जाएगा। इसे जैसे चारों साइड से मिला ले, इससे जो स्टफिंग बाहर आ रही है वो बिल्ली चारों साइड मिल जाएगी। इतना करने के बाद हम इस पर सूखा आटा डाल के इसे हम अच्छे से बेल लेंगे ऐसे। देख सकते हैं हमने इसे बेल लिया है। बेल के अब मैं इसे साइड कर लूंगी, ऐसे हम दो तीन बना लेंगे। पापड़ पराठा के लिए हमने जो स्टफिंग की थी वो अब ये बन करके रेडी है। इस तरीके से आपको इसकी स्टफिंग करनी है। आप देख सकते हैं मैंने एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ये लेयर्स आपको इजीली दिख रहे हैं जो मैंने कट करके बनाए थे। आपको भी ऐसे ही करना है। आपको साइज का या इसकी गोलाई का आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, ये ऐसे ही होगा। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो चलिए डीप फ्राई करने के लिए हम एक पैन ले लेते हैं। सो हमने ये पैन ले लिया है और मैंने इसमें ऑयल भी ऐड कर लिया है क्योंकि हमें डीप फ्राई करना है, इसलिए आपका तेल बहुत ही अच्छे ढंग से गर्म होना बहुत ज़रूरी है। इसे अच्छे से गर्म होने देते हैं। सो हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम पराठों को डीप फ्राई कर लेंगे। इसे तेल में डालते वक्त आप थोड़ा सा सावधानी रखें क्योंकि तेल बहुत ही ज़्यादा गर्म है और गर्म तेल बहुत खतरनाक होता है। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने देना है। अब अपना फ्लेम जो है वो मीडियम ही रखें और इसे अच्छे से फ्राई होने दें ताकि इसमें जो हमने कस्तूरी मेथी यूज़ की है वो अच्छे से पक जाए। ये एक तरफ से तो गोल्डन ब्राउन हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसे तलते वक्त कस्तूरी मेथी की जो स्मेल आ रही है वो बहुत ही बेहतरीन आ रही है। देख सकते हैं ये अब दोनों तरफ से एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी दिख रहा है। ऐसे ही बाकी के स्टफ को भी हम डीप फ्राई कर लेंगे। सो आप देख सकते हैं अभी हमने सारे पराठे तल लिए हैं। अब मैं इसमें क्या करूंगी, ऊपर ऊपर से हल्का हल्का चाट मसाला ऐड कर दूंगी। इसको आप चाय के साथ, धनिया की चटनी के साथ या अचार के साथ भी खा सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप इस पराठे को एक बार ट्राई करिए अपने घर पर और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उसे आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताइए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ।